हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रणवीर ब्लॉग्स पर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अपना चैनल ब्लॉग चैनल है, तो ब्लॉग चैनल के लिए जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जैसे कि व्लॉगिंग करने के लिए, ब्लॉग करने के लिए मैं जब भी बाहर जाता हूँ क्राउड एरिया में, आउटडोर में, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे साउंड क्वालिटी होती है तो उसकी जो नॉइस आउट मतलब आउटसाइड जो नॉइस होती है, क्राउड की नॉइस होती है, तो वो चीज़ ज़्यादा कवर होती है कैमरे के माइक में। तो इसके लिए मैंने एक नया गैजेट मंगाया है, तो वो मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो कि एक साथ में ये आया एड्रेस का, तो इसको एड्रेस को जान के आप लोग क्या करोगे, इसको करोगे साइड में और अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है K8 का वायरलेस माइक, जो कि इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसका ये ऊपर का लेयर ये हटाते हैं। किधर से ओपन होने वाला है, तो गाइस ये आप देख सकते हो, इसमें जैसे अपन ने ओपन किया तो ये अपन को ये ऐसा कुछ इस तरीके का मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। इसके साथ में एक ये है जो माइक है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये क्या लगा हुआ है इस पर, हम इसको हटाते हैं। और ये एयर के लिए ये और आता है इसमें साथ में, तो ये भी आप देख सकते हो, तो इसको भी हम ठीक से लगा देते हैं। और इसके साथ में और क्या है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ सिंगल आया है, इसके साथ में एक आईफोन वाली केबल भी आती है, वो नहीं है यार। और ये क्या चीज़ है ये भी देख लेते हैं एक बार, फिर आपको बाद में बताते हैं इसका अच्छे से रिव्यू। और ये चीज़ आप देख सकते हो कि जो इसका चार्जर है, ये जो चार्ज होता है इसका चार्जर है, और ये है जो कि अपन फ़ोन में यूज़ करते हैं, ये फ़ोन में यूज़ होता है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके का है ये माइक। तो ये कॉलर माइक है, इसको कॉलर पे अपन यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ सी टाइप है, तो सी टाइप अपन फ़ोन में यूज़ करके इसको कॉलर पे लगा के अपन आराम से क्राउड में यूज़ कर सकते हैं इसको आराम से। तो कुछ इस तरीके का है। तो अभी हम इसका मतलब अच्छे से चेक करेंगे, छत पर जाके आउटडोर में चेक करने वाले हैं, और कितनी इसकी मतलब रेंज है ये भी हम चेक करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ छत पर, और ये माइक मैं अपने साथ में छत पर लेके आया हूँ ताकि इसकी हम क्वालिटी चेक कर पाए, और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की लेंथ कितनी है, कि कितनी दूरी तक ये वॉइस रिकॉर्ड करता है, तो ये भी हम लोग चेक करने वाले हैं। और अभी जो आपको वॉइस सुनाई दे रही है, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नॉर्मल जो फ़ोन का माइक है उसी की आवाज़ है, तो ये भी बहुत अच्छी है। बट एक बार चेक करेंगे कि इस माइक की कैसी आवाज़ है, ताकि व्लॉगिंग में आगे और अच्छे वीडियोज़ में क्वालिटी आ पाए। तो गाइस अभी ना मैं कैमरे की लेंस से ऑलमोस्ट 15 to 20 feet की दूरी पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे मतलब हम छत पे आए हैं सिर्फ कैमरे की क्वालिटी चेक करने के लिए। तो आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। और जैसे 15 feet की दूरी अगर ये कवर कर सकता, तो मैं मान के चल सकता हूँ अपन की 15 से 20 feet की दूरी ये इसकी रेंज है। और मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, ऑलमोस्ट 20 feet की दूरी पे हूँ, और मैं यहाँ से वॉक करके आ रहा हूँ। तो आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और ये आगे ब्लॉग में यूज़ करना चाहिए हमको, नहीं करना चाहिए। और जैसे ये क्लिप एंड होती है तो मैं इस क्लिप को एक बार देखूँगा, उसके बाद में रिव्यू बताऊँगा आपको कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। बट आप लोगों का काम एक और है, अगर आपने मुंबई वाली वीडियोज़ मेरे बैक वीडियोज़ नहीं देखे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके कंप्लीट वीडियोज़ देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर जो भी नया मेंबर है अपनी फैमिली में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस इस माइक की मैंने क्वालिटी जस्ट चेक की है, तो इस माइक की क्वालिटी बहुत मतलब नंबर वन है, क्योंकि अराउंड 20 feet की दूरी पर भी ये अच्छे खासी मतलब बहुत अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर कोई यूट्यूबर है या कोई भी ये ब्लॉग देख रहा है और अगर ये माइक मंगाना चाहता, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया, और अराउंड 650 या 700 का है, तो इतना महंगा भी नहीं है, मंगा सकते हो, वर्थ है मंगाना। और ये वीडियो बनाने का सेंस मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि अब जब मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगा तो उसके लिए ये वर्थ है या नहीं है, ये मैं खुद भी चेक कर रहा था, और आप लोगों के साथ भी सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बना के शेयर किया जाए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर जो भी नया मेंबर है तो मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी 7000 की कंप्लीट फैमिली हो चुकी है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, सी यू।